नगर थाना इलाके के कई अलग अलग क्षेत्रों में आजकल चोरी की घटनाओं में काफी वृद्धि हो गई है। आज फिर से एक बार चोरों ने सीवान की नगर थाने की पुलिस को चुनौती देते हुए तिलहट्टा बाजार के चार दुकानों में बीती रात शटर काटकर लाखों रुपए कैश और सामान उनके द्वारा चोरी कर ली गई है। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीवान के तिलहट्टा बाजार से, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक साथ चार दुकानों में रात में चोरों द्वारा शटर काट दिया गया है और ताला काटकर चोरी कर ली गई है। इस घटना के बाद आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने नगर थाने की पुलिस को सूचना दी, मगर पुलिस थोड़ी देर के बाद मौके पर पहुंची और फिर वही किया जो इनको करना चाहिए था, यानी कि पुलिस जांच की बात करते हुए सिर्फ खानापूर्ति कर ली और एक सनहा दर्ज कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आए दिन शहर में चोरी की घटनाओं में काफी वृद्धि हो रही है, क्या उस पे नगर थाने की पुलिस लगाम लगाएगी? 5 से 6 दुकानों में आज चोरी हुई है तिलहट्टा बाजार में, और मेरी भी दुकान में चोरी हुई है, और शटर वगैरह उठा के पूरा मतलब निडर होकर ये सब काम हो रहा है और प्रशासन का कोई एक्शन नहीं है इसमें। क्या मान रही इधर शहर में चोरी की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है? जी जी, ये बहुत मतलब हिम्मत वाला काम है और मेन रोड पे ये सब चोरी हो रही है और प्रशासन मौन है। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रशासन मौन है। प्रशासन से शिकायत करने के बाद कह रहे हैं कि वो गश्ती में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर गश्ती ऐसा रहता तो ये सब हादसा नहीं होता। गश्ती नहीं है, इसकी वजह से ये सब चोरी की घटनाएं बढ़ी। चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी या फिर इसी तरह व्यवसायियों को चोरों द्वारा निशाना बनाया जाएगा? आप देख सकते हैं व्यवसायी काफी आक्रोशित हैं और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिस तरह से घटनाएं घट रही है, वैसे में अब हम लोग आंदोलन करने पे उतारू हो जाएंगे। सभी व्यवसायी एकजुट होकर पुलिस के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। बंद करके जाएंगे। सुबह हमको लगभग 5 बजे हमको मालूम हुआ कि हमारे दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा सीधा शटर को उठाकर उसमें प्रवेश किया गया है और लगभग 50,000 रुपया नगद और लगभग 50,000 रुपया का सामान लेके जाने का काम किया गया है। और हमारे साथ साथ हमारे दुकान के ठीक सामने भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। सुबह जाकर हम नगर थाना सीमान को आवेदन दिए हैं कि हमारे साथ इस तरह का जो है कि हमारे दुकान में काम किया गया है। थाना की टीम आई थी, यहाँ पे इंक्वायरी करके गई है। अब इस तरह की बढ़ती हुई घटनाओं से हम व्यवसायी आक्रोश हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि दुकान बंद करके घर जाने की जरूरत नहीं है, हमको यहीं पे सोने का काम करना पड़ेगा। और ये शासन और प्रशासन के लिए खुली चुनौती है कि व्यवसायिकों के साथ जिस तरह का काम किया जा रहा है, ये अब आक्रोश का विषय बनने वाला है। और शासन और प्रशासन अगर इस पर निश्चित रूप से अगर लगाम नहीं लगाती है तो हम आंदोलन करने का काम करेंगे। इसमें कहीं से दो राय नहीं। क्या मान रहे हैं इधर चोरी की घटनाएं में काफी बढ़ोतरी हो गई है? अभी शेखर सिनेमा के पास 2 दिन पहले चोरी हुई थी, फिर 8-10 रोज पहले भी चोरी हुई और आज फिर 4 दुकानों में एक साथ चोरी, इसे आप क्या मानते हैं? आमतौर पर ये मानने की बात नहीं है, देखने की बात है और सोचने की बात है कि जिस तरह पुलिस निष्कर्षता पर सवाल जो है कि खड़ा हो रहा है कि सिर्फ व्यवसायिकों के दुकान में ही हमला किया जा रहा है, इसमें शासन और प्रशासन की खुली चुनौती है, इसे उसे स्वीकार करना चाहिए। टोटल कितने दुकानों में आज चोरी हुई है? आज हमारे दुकान में हुई है और हमारे सामने मकसद हुसैन की दुकान में चोरी हुई है और उससे 10 कदम आगे भी सुनने में आया है कि 2 दुकानों में चोरी की बात इसी कंडीशन में की गई है। पेट्रोलिंग रात में रहती है या नहीं? अब रात में तो हम लोग देखने आते नहीं है कि पेट्रोलिंग होती है कि क्या होती है। आपको क्या लग रहा है कि अगर गश्ती होती तो चोरी घटना नहीं होती? हमको तो यही लग रहा है कि अगर शासन और प्रशासन हमारा अगर सक्रिय होता तो एक परिंदा भी पैर नहीं मार सकता है, चाहे वो रात का मामला हो या दिन का मामला हो। जिन चारों दुकानों में चोरी हुई है, आपको बता दें कि माधव कुमार जिनकी किराने की थोक की दुकान है, दूसरा मकसद हुसैन जिनकी किराने की दुकान है, और रिजवान अख्तर जो रेडीमेड के व्यवसायी हैं, और लाल बाबू केसरी जो कि कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं। इन 4 दुकानदारों के
दुकान में चोरी कर ली गई है और रात में चोरों द्वारा शटर काटा गया है और ताला तोड़कर लाखों रुपए कैश और सामान, जो महंगे सामान है, उसकी चोरी कर ली गई है। अब तक पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है कि आखिरकार जो शहर में चोरी की घटनाएं घट रही है, कौन सा गिरोह है जिसके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, और ना ही आज तक चोरी की घटनाओं में किसी भी चोर की गिरफ्तारी भी हो पाई है। एक पर एक दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रही है, जिसको लेकर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। लोगों का यह भी कहना है कि रात में पुलिस गश्ती नहीं कर रही है, और शायद यही कारण है कि चोर गश्ती नहीं करने का फायदा उठाते हुए रात में दुकानों का शटर काट रहे हैं और ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी कर ले रहे हैं। ऐसे में अब सिवान की पुलिस को चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से लें और रात में पेट्रोलिंग गश्ती बढ़ाएं, ताकि चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट।